हे गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बनाने वाले हैं वेज कटलेट। वेज कटलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले ली है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। और अब हमने यहाँ पे ले ली है बॉईल किए हुए दो आलू। साथ ही हमने यहाँ पे लिया है एक प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हमने यहाँ पे ले ली है फूल गोभी, जिसे हमने बारीक काट लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं दो बॉईल किए हुए आलू, जिसे हमने यहाँ पे मैश कर लिया है। अब हम यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स डाल देते हैं। तो अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं गाजर, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। साथ ही हम यहाँ पे डाल रहे हैं प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और गोभी। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम यहाँ पे। आपको जितना तीखा रखना है आप उसके हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। हमने डाला है गरम मसाला पाउडर, अमचूर पाउडर। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं धनिया पाउडर। अब डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। और इसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 बड़ा चम्मच मैदा। और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे हरा धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे इसे मिक्स कर लिया है। मिक्स होने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये अच्छे तरीके से बन जाए। और हमने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच मैदा। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और फिर पानी डाल के हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका एक बैटर बना लिया है। और साथ ही हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, पैन में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब हम यहाँ पे वेज कटलेट बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे वेज कटलेट बना लेंगे। अब हमने यहाँ पे वेज कटलेट बना के तैयार कर लिया है। साथ ही हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम ले लिया है। ब्रेड को हमने यहाँ पे रोस्ट किया था। रोस्ट करने के बाद हमने इसका ब्रेड क्रम बना लिया है। तो रोस्ट करने के बाद जो हम ब्रेड क्रम बनाते हैं वो अच्छा क्रिस्पी बनता है। तो इस देखिए, हमने यहाँ पे वेज कटलेट ले लिया है। साथ ही हमने यहाँ पे बैटर लिया है कॉर्न का। इसमें हमें वेज कटलेट को डिप करना है और इसके बाद हमें इसमें डालना है ब्रेड क्रम की एक कोड, हम इसके ऊपर डाल देते हैं। ऐसे हम यहाँ पे सारे वेज कटलेट जो हैं उसे बना लेंगे। पैन में जो ऑयल है अच्छे से गर्म हो गया है। एक एक करके हम यहाँ पे वेज कटलेट डाल देते हैं। और हमें यहाँ पे, हमने गैस की फ्लेम को हाई रखा है, हाई फ्लेम में इसे हम फ्राई कर रहे हैं। बीच में हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम कर देंगे ताकि इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से पक जाए। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा वेज कटलेट है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम यहाँ पे इसे पलट देंगे। तो हमने यहाँ पे सारे वेज कटलेट को अब पलट दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो वेज कटलेट हैं दोनों साइड से अच्छी तरीके से हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे इन्हें निकाल लेते हैं। ऐसे हम यहाँ पे सारे वेज कटलेट बना के तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो वेज कटलेट हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पे इसकी प्लेटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कर ली है वेज कटलेट की प्लेटिंग सॉस के साथ। तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक बार आप इस तरीके से बना के देखिए, खाइए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाले और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियोज़ लाते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।